सुबह का वार्म अप करती हुई रोक्सी चिंकी खोल के ले आई है इसे, हैं? और कहाँ गोद में कहाँ घुसेगी, कहाँ घुसेगी, देखियो देखियो भाई, हैं? क्या है यहाँ खाने पीने का तो है नहीं कुछ, ब्रेकफास्ट तो ये कर लेती है 5 बजे, सुबह 5 बजे जो भी उठता है ना वो ब्रेकफास्ट इसे दे देता है। क्या खाती है ब्रेकफास्ट में? दही, दही खाती है। दूध भी पीवे, हैं? दूध भी पीवे ना यहाँ, हाँ। सेरेलैक भी खावे अपना। सेरेलैक भी खावे रोक्सी। और देखो कैसे मस्ती के मूड में है ये एकदम बिल्कुल। इसे खोल दो थोड़ी देर, हैं? रोक्सी घूमेगी तो ले, 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 ले। आ जा हैं? नाम तो जान गई अपना यार। 8:30 बज गए हैं, नाश्ता पानी कर लिया है सबने और रसोई की साफ़ सफाई करेंगे। उससे पहले जो है इस रूम की भी साफ़ सफाई कर देते हैं, इसकी हालत सुधार देते हैं क्योंकि काफ़ी ख़राब हो जाती है रात के समय में। और कहीं मतलब दवाइयों की पन्नी रखी है, कहीं लिफाफे, कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, ऐसे रहता है। और आज ना चिंकी कंप्यूटर की जो बुक है और वो कॉपी है वो यहीं पे छोड़ गई। नु कह रही आज तो कंप्लीट कर ही दियो, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए कल जो है मैं उसका काम नहीं कर पाई ये वाला, तो आज उसने यहीं पर रख दिया है, आज कर दूँगी। तो चलो जी लगते हैं फटाफट से। ये बिस्तर तय बना कर तो रख दिया था सुबह के टाइम, यहाँ पर चारपाई डालकर लेटती हूँ ना मैं, चारपाई में नींद आती है मुझे, तो ये वाला बिस्तर अंदर रखते हैं स्टोर रूम में। तो जी सारे कमरों की साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं जो है अपने मिशन पर लग गई थी। आज मेरा मिशन है करेले की सब्ज़ी बनाना और वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगनी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से मैं बना रही हूँ। आज जो है माँ ने ऊपर का जो छिलका है वो अलग से उतारा है घिरड़ के, और जो बीच वाला वो है बीज अलग निकाल दिए हैं, और जो बीच वाले पीसीज हैं तो वो अलग निकाल दिया है। इन सब में जो है नमक डाल के उन्होंने धूप में रख दिया था, और जो ऊपर का छिलका है जिसे मैं निचोड़ रही हूँ इसे माँ ने एक बार निचोड़ कर नमक लगा कर रख दिया था धूप में। देखिए इसने दोबारा से फिर से इतना ही पानी छोड़ दिया है। नमक डाल देते हैं ना तो सारा कड़वाड़ जो है जितना फालतू का होता है वो निकल जाता है। तो जी कुछ इस तरीके से आज मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मेथी दाना डाला है मैंने इसमें और सरसों का तेल, उसी से जो है ये काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं और ना ही ज़्यादा ऑयली होते हैं। तेल की मात्रा मैं इतनी ही डालती हूँ जितनी ज़रूरत होती है, और ये पूरी फैमिली का है तो इसमें जो है मात्रा उसी हिसाब से डालूँगी। और देखिए मैं तो कम ही खाती हूँ तली भुनी चीज़ें, मेरा क्या होता है कि जब से कोलेस्ट्रॉल और थायराइड की प्रॉब्लम है तो मैं दही वगैरह से खा लेती हूँ, मतलब पुदीने की चटनी बनाकर रखती हूँ, जो मैं लेकर आई थी उसकी चटनी मैंने कल भी पीस कर रख ली थी, तो 2-3 दिन तक वो आराम से चल जाती है बिन मिर्च की, दही में डालकर खा लेती हूँ। दूध गर्म कर दिया है। उधर जो है ये गेहूँ पूजा ने धोया था तो वो सूखने के लिए डाल रखा है, लेकिन यहाँ पर डालने के बाद में जितना फ़ायदा है ना उतना ही नुकसान है। नीम की पत्तियाँ आकर गिरती है, कनियर की पत्तियाँ गिरती है, और रोक्सी भी घूम जाती है। रोक्सी जो है वो अभी से कुछ नहीं पता, वो कहीं भी टॉयलेट कर देती है किसी भी टाइम खुलकर, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अभी बांध कर हम लोग रखने लगे हैं। तो नीम पर जो कुंपले आई हुई है फूल, मतलब जिसकी निबोली बनेगी, वो भी बहुत ज़्यादा झड़कर अनाज में जो है गिर जाता है हवा में। तो जी अभी मैंने इसका जो पीसीज है वो फ्राई कर लिए हैं, अब ऊपर का छिलका जो घिरड़ा था माने, तो आज इस तरीके से बना रही हूँ। ना ही अमचूर पाउडर डालूँगी, ना ही आम का अचार डालूँगी, खटाई कुछ नहीं डालूँगी, इस तरीके से सिंपल से तरीके से कम मसालों से मिलाकर मुझे बनाना है, और ये टेस्टी भी होना चाहिए। है इसमें क्या कि हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, सबसे मेन चीज़ यही है। अगर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे ये नमक डालते ही फिर से पानी छोड़ेगा और इसमें कड़वाहट जो है अपने आप ही पैदा हो जाएगा। उधर माँ जो है बर्तन थे बाल्टी वगैरह हंडी में अभी दूध रखा होता नाश्ते के तो मैंने कर दिए थे, बाकी जो बाद के थे तो वे साफ कर रही है। और जब सब्जियां काटते हैं ना और कई सारे बर्तन जो है बिजी हो जाते हैं, जब वो खाली होते हैं तो साथ के साथ साफ़ हो जाएंगे, नहीं तो धूप में और हवा में जो है बहुत जल्दी से बर्तन खाना खाते भी सूख जाते हैं, ऐसा काम हो जाता है। तो जी देखिए मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है प्याज डालने के बाद में, नमक डाला है,
और अब डालेंगे 2-3 चम्मच इसमें धनिया पाउडर। तो जी जब भी करेले बनाए तो धनिया पाउडर और सौंफ की क्वांटिटी जो है वो सही मात्रा में होनी चाहिए, जो कि मैंने डाल दी है। अभी जो है प्याज को अच्छे से पका लेंगे और बस बन गया झटपट से करेले की सब्जी। ये देखिए कोई ज़्यादा काम नहीं है, इससे ज़्यादा समय जो है इसे काटने में पीटने में लग जाता है, इतना समय इसे बनाने में नहीं लगता है। अब इसको मिला देते हैं और ढक देते हैं। चूल्हे में जो है आँच मैंने मीडियम कर दी है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, जैसे गैस का फ्लेम जो है कम कर देते हैं उस तरीके से ही, क्योंकि उपलों की आँच एकदम से इतनी तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़, और ये लगे ना, ये देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं है। इस तरीके से आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बस इसको बनाना है ढक कर। तो जी करेला बनकर हमारा तैयार हो गया था, मैंने चूल्हा भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद में ये गेहूं मुझे धोना था, माँ की जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, नहीं तो माँ ये ऊपर के काम जो है धीरे धीरे से कर लेती है। तो जी अभी धो देते हैं गेहूं, और भी बहुत सारे काम हैं बच्चों के साथ में, तो जी करना तो ज़रूरी है, पापी पेट का सवाल है तो ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। छाछ से जो है मुझसे नहीं करना आता है, मैं गेहूं धो तो लेती हूँ लेकिन छाछ से नहीं आता करना बिल्कुल भी। झरने से मैं इसे झाड़ दूंगी और छाछ से साफ़ नहीं कर सकती बिल्कुल भी। छाछ मैंने एक बार प्रैक्टिस की भी थी चलाने की, लेकिन वो नहीं हुआ मुझसे बिल्कुल भी। तो जी चलो कोई नहीं, अगर छाछ से नहीं आता करना तो इसे धोकर ही काम चला लेंगे हम लोग, सर्दी में भी धो लिया करेंगे, पहले ही अपना ऐसा इंतज़ाम कर लिया करेंगे। तो जी यहाँ पर दुपट्टा डाल दिया था, इस पे जो है इसका पानी नहीं चढ़ जाएगा, फिर जो है बड़े बड़े पल डाल के धूप में इसे सूखने के लिए डाल देंगे। और अभी जो है बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, बच्चों की तो पहुँच से दूर रखना पड़ता है, ये इतना सारा मैंने धो दिया है, और मतलब 15-20 दिन तक ये काफ़ी रहेगा, बीच बीच में चावल वगैरह भी बनते रहते हैं, और आज कपड़ों की धुलाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो है रसमलाई सर्व की जा रही है, पूजा कर रही है। छोटू गया था शादी में तो आज तो लगी रहती है, घर वालों को कुछ ना कुछ मीठा जरूर आएगा, और माँ उसे कह रही है, और माँ तो मुझे कह रही थी ना धोकर कोलगेट वोलगेट करके तैयार रही है, कुछ ना कुछ आवेगा जरूर खाने के लिए, और जो ठंडी चीज़ें होती है वही मुझे पसंद होती है। हालांकि जो गुलाब जामुन है वो मैं इतने नहीं खाती हूँ जितने ठंडे रसगुल्ले। माँ लाया दे, एक डिब्बो में लाया दो, रसमलाई भी लाया, ठंडे वो भी लाया, ठंडे रसगुल्लो तक गुड्डू चिंकी ने सार दिए, अब हम तो सिखाओगे। जब पानी पानी रह जाए इसमें, मैं जब बता रही हूँ। हाँ बखर खा लें कोई बात नहीं, बखर में भी वही टेस्ट हो। तो जी अभी उसे उठाने की कोशिश है, पंखा मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, उसे हो रही प्रॉब्लम सोने में। अरे भाई उठ जा, काम करना है स्कूल का। ले भाई हो गया काम, मैं नहीं करता, और उसी ने तो कर भी लिया। चलो उठिए मेरे बच्चे, उठ जा, नाराज सा लगे। आइए जी आप भी खा लीजिए, पूरी फैमिली के काम आ जाएंगे। बहुत बढ़िया ठंडी हो रही माँ, कालजे को भी एकदम ठंडा कर देगी, खा के देख, कटोरी में कर दे माँ के नाम की। शाम के 7 बजे हैं, और 7 बजे देखिए अभी भी दिन सा रहता है, दिन इतना बड़ा होने लगा है, और आज एक भारी समस्या हो गई है। टैंक ये देखो, टैंक रखा ना लीकेज हो गया, पहले इसमें छोटा सा होल था तो उस पे लगा दी थी एम सील, और अब वो बड़ा हो गया है तो पानी सारा साफ हो गया, और हम देख रहे कि कहाँ गया पानी, फिर देखा छत पूरी गिल्ली हुई पड़ी और पाइप से पानी जा रहा है। तो जी अब ये भी बदलना पड़ेगा, या तो या फिर ये दिखाना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट को कि ये रुक कैसे सकता है। होल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जब लीकेज होता है तो पानी तो सारा निकल ही जाता है, पूरी छत पानी पानी से भरी हुई है, और पाइप में से क्यों नहीं निकल रहा, पाइप में से क्यों नहीं पास हो रहा पानी, उसमें जो है मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता है, पाइप में जो है मधुमक्खियों ने छत्ते फंसा के डाल रखे अपने बिल्कुल, तो ये कारण है लीकेज का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पानी बहुत थोड़ा आ रहा था ना छत से, तो ऊपर सीढ़ी लगी है देखो, वहाँ पे लगा के देखा कि छत भरी पड़ी है, और पाइप में जिससे पानी नीचे आता है मधुमक्खी ने छत्ता बिल्कुल सटा के रखा है, फंसा के रखा। एक बूंद पाइप में से पानी आ रहा, एक इस तरीके से जो है पाइप में से पानी आ रहा, और उसे हटा भी नहीं सकते, कहते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते को भी हटाना नहीं। और फिलहाल ना यहाँ पे ये देखो ऐसे उड़ाने पड़ रहे, मच्छर इतने हैं, एक्टिव हो जाते हैं इस टाइम, तो इस टाइम पूरे दिन छिपने के बाद तो इतने एक्टिव होते हैं मच्छर, निकल आते हैं क्योंकि लू चलती है दिन में, तो छुपे रहते हैं कहीं ना कहीं, और अभी एकदम छत्ते के रूप में आ रहे हैं, पड़ रहे हैं काफी, मुंह पे भी आते, मतलब बोल नहीं सकते, कहने की बात ही है।
बड़ा मुश्किल हो रहा बोलना भी। तो फिलहाल लग रहे थे हम इसकी जुगाड़ में, कल देखते हैं किसी को दिखा के जो जानता हो टैंक का पानी कैसे रुकेगा, होल कैसे बंद होगा, उसे अगर नहीं ये रुक पाता तो फिर ये नया कल ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ये तो करना ही पड़ेगा। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, टॉयलेट में जाने की नहीं तो टॉयलेट धोखे से कई लोग आज टॉयलेट में चले गए और पता चला कि वहाँ पानी नहीं है, बाल्टी में भर के पकड़ाना पड़ा बाहर से। ऐसा हो सकता है देख, क्योंकि वो पता नहीं रहता ना कि यहाँ पानी खत्म हुआ है, भूल से चले जाते हैं। वो एक आदत बनी रहे ना कि पानी तो है ही अंदर, नहीं तो पहले तो डब्बों में लेके जाते थे। तो फिलहाल जो है यहाँ पे कपड़े सूख गए, सूख गए हाँ, ये हाथों की धुलाई है, ये मिशन था, लेकिन अभी सूखे नहीं है, इन्हें पड़ा रहने कल तक पड़े रहेंगे, गगन सोएगा छत का, कोई दिक्कत नहीं है, बंदरों से रख सक रहेगा हाँ, यहाँ बिछाऊगा चारों पाई, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह ले जाऊंगी यहाँ से उतार के। तो चलो बस यही था, ये सीढ़ी में नीचे रख दो अभी हाँ, ये साइड में लगा दो क्योंकि चढ़ना तो कल भी पड़ेगा हाँ। और ये सीढ़ी छोटे वाली लगा दी यहाँ, इस पर थोड़ा सा रिस्क था, मैंने भी चढ़ के देखा, लेकिन एक तो शरीर भारी होने की वजह से डर लग रहा था, दोबारा से मेरी चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब कोई टोक दे ना कि वहाँ खतरा है तो आदमी चौकस हो जाए, और इसी तरह मैं भी चौकस हो गया। और ये देखो पूरी तरह से ऊपर छत पे नहीं आ पा रही सीढ़ी, इससे बड़ी भी सीढ़ी है, कल वो लगाएंगे उससे थोड़ी सी सुरक्षा ज्यादा होगी। ऊपर से आने के बाद में अभी मैंने यहाँ पर रख दिया दाल बनने के लिए, मूंग की दाल बननी है सबके लिए, और शाम के खाने में अच्छी है, जैसे गर्मी का मौसम है और आजकल बीमारियां ज्यादा चल रही, उसके लिए ठीक है ये मूंग की दाल खीरा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।